हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे घराइया, जो कि रिलीज हुई है अमेजोन प्राइम वीडियोस पर। हालांकि ये थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये ए रेटेड मूवी है, यानी कि ये फैमिली के लिए नहीं है, सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए। मूवी की ओवरऑल है 2 आवर 27 मिनट की, लेकिन ये खत्म हो जाती है 2 आवर 13 मिनट में। मूवी की कहानी सिंपल सी है, जो कि आपने ट्रेलर में देखा था कि दो कजन सिस्टर्स हमें देखने को मिलती है। एक तो टिया यानी कि अनन्या पांडे, और दूसरी है अलीशा यानी कि दीपिका पादुकोण। अब बचपन में इनके फैमिली मैटर्स की वजह से दोनों ही सिस्टर्स अलग हो जाती है, लेकिन अब बड़े होने के बाद अलीशा यानी कि दीपिका पादुकोण अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि ये लिविंग में रह रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मगर इसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वही दूसरी तरफ ठिया, जो कि इसका भी एक बॉयफ्रेंड है जैन, और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ फुल टू मजे कर रही है। टिया के पास बहुत सारे पैसे भी है और उसके बॉयफ्रेंड के पास भी है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब अलीशा की मुलाकात टिया के बॉयफ्रेंड जैन से होती है। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए था आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, पहले तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, मुझे ये मूवी निहायत ही वाहियात लगी थी। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि भाई, किसी भी बुक को कवर देख के जज नहीं करना चाहिए। जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो चीज हमने ट्रेलर में देखा था वो तो इसका सिर्फ 40% था। 60% देखने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं वो असली सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मूवी में जो प्यार है, जो लस्ट है, जो बिट्रेल है, जो झूठ है, और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और जिस तरह से उसको बताया है, उसमें आप पूरी तरह से डूब जाओगे। डूब जाए। खैर, उसके अलावा कैरेक्टर्स की बात कुछ यहाँ पर मोस्टली अलीशा, तिया, जैन और करण, इन कैरेक्टरों को इतनी अच्छी तरह से लिखा है, कहीं ना कहीं आप लोग इजीली रिलेट कर पाओगे। हालांकि ये आजकल की जनरेशन वाले ही कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मूवी से और इन कैरेक्टर से रिलेट, क्योंकि आज से 15 साल पहले जो प्यार होता था वो सच्चा प्यार होता था और एक ही बार होता था प्यार। जैसे कि राहुल बोलता था कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, तो प्यार वाकई में एक ही बार होता था। लेकिन आज की जो जनरेशन है, उनके लिए प्यार तो होता है, लेकिन प्यार के बाद तुरंत ब्रेकअप भी होता है, और ब्रेकअप होने के बाद तुरंत उनको दूसरा प्यार भी मिल जाता है। तो वही कुछ चीजें आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी में भी देखोगे। और अगर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की बात करूं तो भाई, बॉलीवुड के लिए कोई नया नहीं, इससे पहले बॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज में बताया है, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी में भी वो लोगों ने इस सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। मूवी का जो मेजर हिस्सा है वो बैंड्रा के एक अपार्टमेंट में शूट हुआ है। उसका जो 30% है मूवी का, वो याच में शूट हुआ है। याच याच जो भी आप लोग बोल सको यार। खैर, सिनेमेटोग्राफी मूवी की अच्छी लगी, सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड अगर मूवी की अगर लेंथ की बात करूँ तो वो भी कुछ ज्यादा फील हुई नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो इस पर्टिकुलर मूवी को देखने में मजबूर करती है, वो है एक्टर्स का परफॉर्मेंस। यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने बता दिया कि वो फीमेल एक्ट्रेस में सबसे टॉप पर, इस वजह से क्योंकि वाकई में वो एक्टिंग जानती है। अगर उनके अश्लील सीन्स को इस पर्टिकुलर मूवी से हटा दे, तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया भाई, अपने शोल्डर पर इस पूरी मूवी को लेकर चलिए बंदी ने, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन यस, सेकेंड हाफ में सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो सस्ते शाहिद कपूर तो नजर आते हैं, बट फिर भी वो बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी में भी उनका मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा। अनन्या पांडे की बात करो तो अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, और उसके ना डायलॉग बोलने का तरीका, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके वो जिस तरह से डायलॉग बोल रही है ना, मुझे मतलब एक्टिंग का ऐसा लग रहा है कि यार वो क्यों है इस पर्टिकुलर मूवी में, शायद उसके फादर की वजह से, वरना क्या ही कहूँ मैं यार अनन्या पांडे के लिए। मूवी की नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री। मतलब किसिंग सीन वो बोल्ड सीन तो है, लेकिन वो एक सिजलिंग हॉट वाली केमिस्ट्री हमें नजर नहीं आ रही थी, तो वो मजा नहीं आया। उसके अलावा मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो उतना ज्यादा अपीलिंग मुझे नहीं लगा। ऑल्दो क्लाइमेक्स थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर शकुन बत्रा जी जो इसके डायरेक्टर है, उनको ऐसा लगता है कि ये क्लाइमेक्स परफेक्ट है, तो शायद अच्छा है। उसके अलावा जो थर्ड इसकी मूवी की मुझे सबसे नेगेटिविटी लगी, वो थी कि जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जा रहे थे अपनी लाइफ में। मतलब वो बहुत ऑल ऑफ अ सडन हो रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो यार, मूवी भी अच्छी है, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवी को बनाया है या बनाने की कोशिश की है, वो अच्छी तरह से उन्होंने पर्दे पर लाया है। लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि इंडिया में आज भी
इस तरह की मूवीज को ज्यादातर ऑडियंस नहीं देखना पसंद करते, स्पेशली मास ऑडियंस तो ना ही देखे तो अच्छा, क्योंकि उनके मतलब की पिक्चर है ही नहीं और वो लोग इस पर्टिकुलर मूवी से जुड़ भी नहीं पाएंगे। वही अगर मल्टीप्लेक्स की जो ऑडियंस है, यस उनको ये मूवी अच्छी लगी, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर पाएंगे। ओवरऑल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मूवी देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मुझे ये मूवी अच्छी लगी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये मूवी इस लेवल की होगी, इसलिए मुझे अच्छी लगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये मूवी देखना है या नहीं। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। ये मूवी आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। तो यार बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।